बार बार प्रदेश में जो है उसके बाद अगर हमारा ऐसे भी इस्तीफा तो मंजूर होना ही है, आज नहीं होगा कल होगा पर होना है, फिर दोबारा जो बाई इलेक्शन होंगे फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा वो तीन अलग अलग जिलों में, तो वो ठीक बात नहीं है। आज नोटिस का जवाब की डेट थी और आज हम तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पहुँचे और अभी हमने स्पीकर साहब से जो है बातचीत मतलब मुलाकात हुई है और जो मीटिंग जो है वो 2:30 बजे तक एडजर्न की गई है। 2:30 बजे जो है हम जो है रिप्लाई देंगे क्योंकि आज ही हमारी जो पटिशन जो थी वो हाई कोर्ट में भी आज ही जो है उसके ऊपर चर्चा हुई है और अगली तारीख जो है हमें 24 तारीख की मिली है, तो हमने जो है स्पीकर साहब को जो रिप्लाई देना है बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन आज जो हमारे हाई कोर्ट में जो चर्चा हुई उस बेस पे हमें जो है उसका रिप्लाई भी उसी हिसाब से देना था, तो अब रिप्लाई रेडी है और 2:30 बजे जो है हम अपना रिप्लाई स्पीकर साहब को तीनों विधायक जो है सौंपेंगे। हाईकोर्ट में यही चर्चा हुई कि जब हमने अपना इस्तीफा अपने मर्जी से दिया है और विलफुली दिया है बिना किसी दबाव के दिया है तो इसको जो है इमीडिएटली 22 तारीख को जब हमने दिया था तो 22 तारीख को ही इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसी तारीख को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ। और ऐसे भी मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमने देखा कि इस पर कोई नोटिस इशू नहीं होना चाहिए था, फिर भी अगर नोटिस इशू हुआ है तो जो भी इनके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आज ही क्लियर करेंगे और 2:30 बजे जो है हम रिप्लाई में सारे डाउट जो उनको क्वेश्चनर्स थे उसको हम जो है क्लियर कर लेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रिप्लाई के बाद जो है स्पीकर साहब जो है उसका फैसला लेंगे और जो हमारा इस्तीफा है जो हमने अपने मर्जी से दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें पॉइंट आउट ये कि आपके ऊपर कोई दबाव है और या आपके ऊपर कोई किसी का प्रेशर है या आपको कोई किसी चीज़ का लालच दिया गया है या आपको कोई किसी चीज़ का कोई दबाव है, वही सवाल लिखे गए थे और आप यहाँ गए वहाँ गए, हम तो गए अपनी मर्जी से। और दूसरी बात ये कि जब हमने अपने आप प्रेजेंट होकर के दिया है तो हमने कोई ईमेल से नहीं भेजा है कोई हमारा इस्तीफा या कोई व्हाट्सएप से नहीं भेजा है, हम पर्सनली आकर के हमने दिया और आपके पूरा प्रेस जो था उस वक्त मौजूद था आपके सामने, हमने जो कॉपी है वो सौंपी है, तो इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हमारे माननीय स्पीकर साहब और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिना किसी दबाव के बिना किसी राजनीतिक दबाव के डिसीजन ले लेना चाहिए, ये जनता के हित में है प्रदेश के हित में है और जो है इसका जो जनता को जो है विश्वास रहना चाहिए इस पोस्ट का, नहीं तो जनता का विश्वास उड़ जाएगा। अभी तो फिलहाल तो ऐसा है कि इतनी लंबी डेट दे दी है हमें, अभी जो 10 तारीख की डेट की आवश्यकता नहीं थी, अगर 22 को हमने इस्तीफा दिया तो 2 दिन बाद भी बुला सकते थे, तो इतनी लंबी डेट जो दी है इससे जो है ये टाइम डिले करने का जो कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि लोकसभा के भी इलेक्शन होने हैं, ऑलरेडी हिमाचल में 4 सीटों पर लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर्ड है, 6 सीटों पर और भी डिक्लेयर्ड है, तो जो भी है फैसला जल्दी होना चाहिए, बार बार इलेक्शन होना भी ठीक बात नहीं है, तो जो भी फैसला है अभी हो जाना चाहिए। अब आपके साथ थे इस्तीफे के दौरान तो सर कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है कि कोई आए या कोई ना आए, इसमें कोई कानून में लिखा नहीं गया कि कोई आए या कोई ना आए, कोई भी आ सकता है। आप लोग यह चाह रहे हैं कि 1 जून को चुनाव हो जाए तो मोदी लहर जाए उसके साथ? सर ऐसा है कि बार बार प्रदेश में जो है उसके बाद अगर हमारा ऐसे भी इस्तीफा तो मंजूर होना ही है, आज नहीं होगा कल होगा पर होना है, फिर दोबारा जो बाई इलेक्शन होंगे फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा वो तीन अलग अलग जिलों में, तो वो ठीक बात नहीं है, तो अभी एक बार इलेक्शन हो जाए तो स्टेट का फायदा है उसमें, सरकार का भी फायदा है। स्टेट कितने फायदा? हम इसका जवाब हम पिछली बार भी दे चुके हैं, ठीक है, तो इसीलिए अब बार बार वो जवाब देना उचित नहीं है, पिछली बार का जवाब आपके पास है सर। धन्यवाद।